डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग जेईई मेन 2023 फिजिक्स में आए काइनेमेटिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है और इसको सॉल्व करते हैं। द स्पीड ऑफ ए स्विमर इज 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टील वाटर। एक स्विमर है, तैराक, जिसका स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर स्टील वाटर में यानी शांत पानी में उसका जो स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर हमें दिया गया है। इफ द स्विमर मेक्स हिज स्ट्रोक्स नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ रिवर ऑफ विथ 1 किलोमीटर ही रीचेज ए पॉइंट 750 मीटर डाउन द स्ट्रीम ऑन द अपोजिट बैंक। और इसमें और आगे बताया गया है कि अगर स्विमर नॉर्मल जो स्ट्रीम है रिवर का उसके नॉर्मल अगर वो स्विम करता है और जो रिवर है उसका जो चौड़ाई है विड्थ है 1 किलोमीटर, तो वह 750 मीटर जो जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में 750 मीटर दूर पर वह किनारे पहुंचता है। द स्पीड ऑफ द रिवर वाटर इज, तो हमें जो रिवर के पानी का जो स्पीड है वह हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो रिवर का विड्थ है 1 किलोमीटर है। अगर यह मान लेते कि रिवर शांत है, स्टील है, तो यह अगर नॉर्मल डायरेक्शन में अगर तैरना स्विमर जो रिवर का जो स्ट्रीम है उसका नॉर्मल डायरेक्शन में अगर तैरना चालू करेगा तो यह सीधा उसके जहाँ पर यह खड़ा है उसके जस्ट अपोजिट वह पहुँच जाएगा। तो इसका जो स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर है और जो रिवर का जो विड्थ है 1 किलोमीटर है, तो हम टाइम निकाल सकते हैं कि इसको दूसरे किनारे तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम हो जाएगा, यहाँ पर डिस्टेंस 1 किलोमीटर है और डिस्टेंस 1 किलोमीटर है और स्पीड जो है 4 है, तो 1/4 हो जाएगा टाइम, 1/4 आवर्स हो जाएगा। तो अब मान लेते कि रिवर फ्लो कर रहा है राइट डायरेक्शन में जो एरो दिखाया गया है उसमें, और उसका स्पीड है रिवर के जो वाटर का स्पीड है मान लेते VRG यानी रिवर का स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो अब अगर यह जो स्विमर है स्विम करेगा तो वह अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाकर वह 750 मीटर दूर पहुंच रहा है, जो इसका जो अपोजिट डायरेक्शन है उससे 750 मीटर दूर पहुंच रहा है यानी इसमें ड्रिफ्ट हो रहा है। तो यह देखिए ड्रिफ्ट हो मान लेते एक्स है, एक्स यह इक्वल है 750 मीटर, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.7 किलोमीटर हो जाएगा। अब ड्रिफ्ट होता है यानी जो डिस्टेंस है वह क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ड्रिफ्ट निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने रिवर का स्पीड VRG माना है, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ड्रिफ्ट यानी डिस्टेंस निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाकर स्विमर 750 मीटर में क्यों गया, क्योंकि जो पानी का रिवर के पानी का जो स्पीड है वो उसके कारण वह ड्रिफ्ट हुआ। तो आइए इसको हम लोग निकाल लेते हैं। ड्रिफ्ट हमें मालूम है 0.75 किलोमीटर अभी हम लोगों ने निकाला, और स्पीड ऑफ जो रिवर है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में VRG और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम हमें 1/4 आवर्स अभी हम लोगों ने निकाला। यानी जितना डे स्विमर को अपोजिट डायरेक्शन में जितना जाने में टाइम लग रहा है उतना ही टाइम ये 750 मीटर लगेगा, इसको उतना ही टाइम लगेगा। तो देखिए यह स्पीड हो जाएगा 0.75 / 1/4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो स्पीड हो जाएगा 0.75 × 4 यानी 3 किलोमीटर पर आवर जो रिवर का स्पीड है, रिवर के वाटर का जो स्पीड है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो आएगा 3 किलोमीटर पर आवर। तो आज का यह प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर आपको यह पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।